हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नई वेब सीरीज के बारे में जो कि रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है द डाइपरेटर। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया सुजय घोष ने। वही इसमें हमें तकरीबन 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एक एपिसोड लगभग 52 से 43 मिनट्स के। अगर कहानी की बात करूं तो ये एक हॉरर जॉनर की वेब सीरीज है, तो मुझे ये वेब सीरीज देखकर कैसा लगा मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दो। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो कहानी शुरू होती है बाडेस, एक टाउन है गोवा में, जहाँ पे एक विला है बाडेस विला। वहाँ पे एक राइटर रहते हैं जिनका नाम है माधव मैथ्यूज। वो एक फेमस गोस्ट राइटर है, यानी कि भूतों की कहानियां लिखते हैं। वो उनकी पोती के साथ उसी विला में रहते हैं, बाडेस विला में। लेकिन एक दिन अपनी ही पोती के भूत को देखने के बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और यहाँ पे वेब सीरीज में ऐसा बताया कि अब प्रेजेंट डे, यानी कि काफी साल हो गए इस चीज को होकर, अब प्रेजेंट डे में उसी टाउन में रह रहे 3 बच्चे जो माधव मैथ्यूज की लिखी हुई किताब द गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर को पढ़ते हैं। और उनको यकीन होता है कि गोस्ट कहीं ना कहीं होते हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं हमारी दुनिया में। तो वो हमेशा गोस्ट का पता लगाते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में उन्हें पता चलता है कि बाडेस विला में कोई नई फैमिली रहने के लिए आई है। फैमिली कोई और नहीं बल्कि जैनी की फैमिली अपने ही विला में रहने के लिए आती है। तो उसके बाद जो मौतों का सिलसिला जो शुरू होता है, किस तरीके से एक के बाद एक मौत होती रहती है, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज मुझे पर्सनली कैसे लगी। तो मुझे पर्सनली ये वेब सीरीज ठीक ठाक ही लगी। अगर मैं सच बताऊं, फ्रेंकली बात करूंगा, तो इस वेब सीरीज में हमें 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये वेब सीरीज बनाई गई है, इसमें तकरीबन सिर्फ 4 एपिसोड या 3 एपिसोड होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि तो ये हॉरर वेब सीरीज है। लेकिन इसमें आपको भूत नहीं नजर आएंगे, इसमें मतलब एक ब्लैक मैजिक और हॉरर ये दोनों को मिक्स करके एक वेब सीरीज बनाई दी गई है। इस वेब सीरीज में हमें दूसरे कैरेक्टर भी जो बहुत ज्यादा इस वेब सीरीज के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अमित रॉय एक कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा मेन है इस वेब सीरीज के लिए। प्लस एक फकीर नाम का जो कैरेक्टर है वो तो सबसे ज्यादा मेन, अगर कोई कैरेक्टर तो वो है फकीर। और उसके बाद जो बच्चों का जो एंगल बताया, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की वेब सीरीज में जो बच्चों का एंगल जो डाला गया, वो बच्चों का एंगल नहीं डालते तो ज्यादा बेटर होता। क्योंकि जो हॉरर जो एक फील होता ना, तो वो जब बच्चे लोग आ जाते तो फिर आपको एक कॉमेडी टच दिया गया वो बच्चों के थ्रू। हालांकि वो बच्चे भूतों को ढूंढ रहे, लेकिन फिर भी आपको मोस्ट ऑफ द सीन्स जो बच्चों के है आपको हंसी आएगी, फनी ही लगेगा, कहीं पे भी आपको डर नहीं लगेगा। सिर्फ एक दो सीन छोड़ के बाकी सब आप बच्चों के जितने भी सीन है आपको कॉमेडी ही लगेंगे। और बच्चे लोगों ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निभाया। पर्सनली मुझे वो जो लड़की है, जो मेन बच्चों की जो लीडर बताई लड़की है, उसका समीरा आनंद, उसका किरदार वो जो लड़की ने निभाई है, बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है और एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग की है, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। उसके अलावा इसमें पूरब कोहली है जो इंस्पेक्टर आनंद का रोल प्ले करे, वो भी अपने रोल में परफेक्ट है। तो इसमें जो कास्टिंग वाइज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से कास्टिंग की गई, जिस तरीके से वेब सीरीज में जो कैरेक्टर होना चाहिए था बिल्कुल उसी तरीके से एक्टिंग भी की गई सारे एक्टर्सों ने। लेकिन जो फालतू के जो इसमें डाला गया, जैसे कि एली अब्राहम का कैरेक्टर का कोई लॉजिक ही नहीं है। और समीर कोचर जो इसमें जेनी के हस्बैंड बने, उनका भी रोल इसमें है मगर क्यों है समझ में नहीं आता। और एली अब्राहम का रोल क्यों है वो भी समझ में नहीं आता, मतलब के रोल्स नजर आते हैं। और इस वेब सीरीज को स्टार्ट पहला एपिसोड बहुत ज्यादा आपको थ्रिल और रोमांच लगेगा, फिर सेकेंड एपिसोड तक आपको समझ में आ जाएगा इस मौत के पीछे कौन है। लेकिन उसके बाद भी जो 3 एपिसोड खींचे ना, ये बहुत ज्यादा सरदर्द लगता है। लेकिन कुल मिला के नेटफ्लिक्स पे एक अलग तरीके की वेब सीरीज बनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों को पसंद आएगी, काफी लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो सब लोगों का अपना अपना टेस्ट होता है। तो मैं इस वेब सीरीज को अगर रेटिंग दूंगा तो इसको 5 में से 3 स्टार दूंगा, क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, लेकिन जिस तरीके से वो बच्चों का एंगल जो एक फनी टच डालता है हॉरर वेब सीरीज में, वो मुझे पसंद नहीं आया। लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छे वेब सीरीज में, गोवा के लोकेशन जो ड्रोन शॉट्स लिए बहुत ज्यादा अच्छे, और जो विला है आपको विक्रम भट्ट की जो हॉरर मूवीज होती है विक्रम भट्ट की हॉरर मूवीज में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े लैविश जो विलास और बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें बाडेस विला नाम का एक जो घर है बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा ग्रैंड घर दिया गया। और जो उसके जो शूटिंग की गई, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ अच्छी है। सिर्फ जो एक फनी टच और जो एक हॉरर वेब सीरीज में जो थ्रिल होना चाहिए था, वो वेब सीरीज में आप लोग कहीं कहीं पे आप लोग लैक हो जाता है, मतलब वो फील नहीं कर पाते हो। और प्रेडिक्टेबल है जो उसका एंड है, वो आप काफी प्रेडिक्ट कर लोगे जिस तरीके से एंड है। लेकिन जो मौत यानी जो मारने का जो तरीका बताया वो बिल्कुल नया बताया, मर्डर करने का तरीका जो जिस तरीके से भूत अपने विक्टिम्स को जिस तरह से मारता है वो एक अलग तरीका, एक नया है। इससे पहले आप लोगों ने किसी मूवीज में इस तरीके की मर्डर करते हुए नहीं देखा होगा,
तो ये मुझे एक नया लगा कॉन्सेप्ट, और जो ब्लैक मैजिक का भी कॉन्सेप्ट बहुत नया फील हुआ, तो ये वेब सीरीज मुझे ऐसा लगता है कि देख लेना चाहिए। दो तीन एपिसोड देखोगे तो शायद आपको आगे देखने का मन हो या नहीं भी हो, वो तो आप लोग की पर्सनल चॉइस के बारे था। तो ये वेब सीरीज को जैसे कि मैंने कहा 5 में से 3 देता हूँ। अगर आपको भी ये वेब सीरीज देखना तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो, ये हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो अगर आपको पसंद आती है तो इसको जरूर देखना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूं आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।